हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग कई लोगों को ना खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और अलग अलग तरह की डिशेस खाना अलग अलग तरीके का खाना टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है ऑफ कोर्स अच्छा तो सबको लगता है लेकिन कई लोगों को सोकट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मतलब कई लोग बहुत ज़्यादा यू कैन से खाने के बहुत शौकीन होते हैं तो अगर ऐसे लोगों को मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ा बफे लगा दिया हमने उसमें वेज नॉन वेज सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं और एक दिन दो दिन नहीं पंद्रह दिन के लिए मैंने आपको कहा कि रोज आप वो खाओ ठीक है और रोज मैं आपको नया नया खाना अलग अलग तरीके का खिलाऊंगा क्या लगता है आपको बेटा कितने दिन आप खा पाओगे पंद्रह दिन ना पंद्रह दिन तो मैंने पूरा वर्स्ट केस का है एक हफ्ता ना तीन से चार दिन मैक्सिमम उसके बाद आपका मन कहेगा यार मेरे को ना एक सिंपल दाल दे दो और रोटी दे दो रोटी भी घी वाली भी नहीं चाहिए इस हद तक आप परेशान हो जाओगे खाने से से समझ रहे हो सिर्फ दिन के अंदर अंदर ये हाल होगा आपका और ये मैं नहीं बता रहा बेटा साइंटिफिकली प्रूवन बात है ना जो कहते हैं ना गट फीलिंग आ रही है तो वो आपकी गट से फीलिंग आएगी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिल्कुल बैठ जाएगा खराब हो जाएगा इतना अलग अलग तरीके का खाना खा खा के कि आपको लगेगा कि बस और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप एक तरह का खाना खाते हो तो वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बट अगर आप बहुत सारे तरीकों का थोड़ा 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 खाना खाओगे ना तो वो मतलब आप आप खुद से समझो आपका पेट कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि इसको कैसे और उसको कैसे पचाऊं है ना कोर्स तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो डाइजेशन ढंग से नहीं हो पाती खैर मैं इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूँ ठीक है मैं बायो नहीं पढ़ा रहा आपको बट द बेसिक फैक्टर्स मैक्सिमम तीन से चार दिन आप खा पाओगे उसके बाद आप परेशान हो जाओगे आप कहोगे नहीं जी नहीं मेरे बस की नहीं है मैं और नहीं खा रहा मेरे को सिंपल दाल रोटी दे दो और वो भी सुखी रोटी देना घी वाली भी मत देना ठीक है इस हद तक आपका मन से फीलिंग आएगी अच्छा कई लोगों को मैं बाय दी वे फैंटेसीज की बात कर रहा हूँ तो कई लोगों को खाने की फैंटेसी होती है जो बहुत शौकीन होते हैं मैंने उनकी बात कर ली अच्छा कई लोगों को शौक होता है गाड़ियों का कि मेरे को बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए है ना ऑफकोर्स लगभग सभी को ही होता है लेकिन द थिंग इज कि सो कॉल्ड फैंटेसी होती है ना कि नहीं मेरे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए जैसे बहुत बड़ी गाड़ी रोल्स रॉयस में घूमना है या बेंटले में घूमना है एंड सोन जो भी है तो क्या होगा सपोज करो आपको मिल गई आज ठीक है तो एक दिन आप फीचर्स एंजॉय करोगे कि अच्छा आ हा स्पीड ब्रेकर से जा रही है तो पता भी नहीं लग रहा बहुत अच्छी सस्पेंशन है एंड सॉन so कुछ भी जो भी आपको फीचर्स अच्छे लग रहे होंगे आपको वो लगेंगे कितने दिन अल्टीमेटली फिर क्या होगा आपको लगेगा कि ठीक है यार गाड़ी है आने जाने के लिए यूज करना है बस एज ए ट्रेवलिंग में मैं यूज करूंगा बस मतलब आप सिंपल भाषा में बात करो तो बोर होते चले जाओगे है ना तो जिनको खाने की फैंटेसी है वो भी कुछ दिनों के बाद बोर हो रहे हैं अच्छा जिनको गाड़ियों की फैंटेसी है वो गाड़ी मिल जाएगी उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो भी बोर होंगे कईयों को घर की फैंटेसी है कि हाँ मेरा बहुत बड़ा घर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए तो क्या होगा भाई कुछ दिन रहोगे उसके बाद बोर हो जाओगे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होटल में जाओ आप कोई बड़े अच्छे फाइव स्टार होटल में चले गए एक रात रुके बड़ा मजा आएगा कि आ इतना बड़ा होटल है इतना कुछ है दो दो दिन हो गए तीन दिन हो गए चौथे दिन क्या हो अरे यार वही दीवारें हैं सब कुछ वही है क्या है बकवास है बोर हो जाओगे है ना चार पाँच दिन भी नहीं टिक पाओगे आप समझ रहे हो तो मतलब आप समझ रहे हो हर चीज से इंसान बोर होता है और सब कुछ छोड़ो जो जो फैंटेसी है उससे भी इंसान बोर हो जाता है खाने का शौकीन आदमी को इतना खाना खिलाओ उसके बाद क्या कहेगा छोड़ यार बस बहुत हो गया है ना गाड़ियों के शौकीन आदमी को गाड़ियां दिलवा दो उसके बाद वो क्या कहेगा कि बस यार हो गया समझ रहे हो मतलब इंसान हर एक चीज से बोर होता है हर एक चीज से कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और सब कुछ छोड़ो चीजें तो मतलब हो होगी इंसानों से भी बोर हो जाते हैं चलो तो मैं पूरा खुल के बात करता हूं आपके साथ जो भी आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है अभी क्या हो रहा है मर मर रहे रहे हो हो उससे शादी करने के लिए मर रहे हो ना कि यार शादी हो जाए तो मजा ही आ जाए बस जिंदगी बन जाएगी मेरे को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे को कोरे कागज पे लिख के देता हूं हफ्ता भी नहीं होगा तो चाहे छोटी लड़ाई से चाहे कुछ भी हो लड़ाई तो होगी अब तुम सोच के देखना जिस इंसान के लिए तुम मरे जा रहे हो हफ्ते के अंदर अंदर तुम तो उससे लड़ाई कर लोगे चाहे छोटी लड़ाई चाहे बड़ी लड़ाई और आप उठा के देखो कितने और कितना कुछ होता है समझ रहे हो मतलब लड़ाई बढ़ते बढ़ते डाइवोर्स तक हो जाते हैं कहते हैं कि हाँ जी मैं तो मैं तो वो नहीं देख रहा जिससे मैंने प्यार किया था ये तो कोई और आदमी निकला ऐसा है वैसा है मतलब बहुत कुछ होता है मतलब समझ रहे हो ना बोर हो जाता है तो मतलब मेटेरियलिस्टिक को भी छोड़ो मेटीरियलिस्टिक चीजों को भी छोड़ो इंसानों से भी बोर हो जाता है इंसान जिसको पाने के लिए तुम मरे जा रहे हो उससे लड़ाई करोगे ऑफ कोर्स होगी फिर दलीलें ये आएंगी कि हाँ भाई दो बर्तन हैं साथ हैं खड़कते हैं जी क्या हो गया कोई बड़ी बात नहीं है लड़ाइया तो सब हस्बैंड वाइफ में होती हैं ठीक है जी मैं मानता हूँ थिंग इज आप थोड़ा सा समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं तो बेटा अगर इन सब चीजों से तुम बोर हो सकते हो पढ़ाई से क्यों नहीं हो गये? सोच के देखो एक बार और तुम क्या हर इंसान बोर होता है पढ़ाई करना किसी को अच्छा नहीं लगता बोरियत होती है बट एक बात मैं आपको और बताता हूँ इंटरेस्ट पता है कब आता है जब तुम्हारा काम करने को मन नहीं है या तुम कुछ भी परेशान हो बट फिर भी तुमने पढ़ाई करी एक के बैठे एक घंटा लगाया उसके बाद जब उठोगे ना तो लगेगा कि हाँ यार आज मैंने कुछ अचीव किया आज मैंने कुछ पढ़ाई करी है वो खुशी जो मिलेगी ना वो बार बार नहीं मिलती समझ रहे हो तो एक सिंपल भाषा में आपको बात बताऊं मैं कई बार पहले भी आपको बता चुका हूं इंसान हर एक चीज से बोर हो जाता है हर एक चीज से सिर्फ एक चीज ऐसी है जिससे वो बोर नहीं होता दैट इज काम आपको लगेगा कि नहीं सर काम से तो सबसे ज्यादा बोर होते हैं हम चाहे ऑफिस का काम हो चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ हो सबसे ज्यादा मुझसे बोर होते हैं लेकिन नहीं बेटा सारी उम्र तुम वो कर सकते हो और करते भी हो सारी उम्र मैं कह दू बफे खाओ खाओगे नहीं खा सकते एक दिन दो दिन आपको क्या लगता है जो इतने रिच लोग होते हैं जो हाई क्लास पीपल हैं उनके घर में रोज बफे लगता है कितने कितने आदमी खाना खाते हैं बानिस के घर न्यूज में आता रहता है कि 600 आदमी खाना खाते हैं पता नहीं कितनी मशीन लगी हुई है रोटी बनाने की ऐसा है वैसा है तो क्या मतलब रोज उनके घर बफे लगता होगा तो क्या वो रोज चीजें टेस्ट करता है अरे नहीं भाई नहीं सिंपल रोटी दाल या जो भी उसको पसंद होगा वो खाता होगा ऑफ कोर्स हर आदमी हर एक चीज डेली बेसिस पे मतलब नहीं खा सकता इतना कुछ अगर आप खाओगे ऑफ कोर्स लथार्जिक हो जाओगे भाई उठने का भी मन नहीं करेगा नींद आएगी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा समझ रहे हो ना लेकिन वो आदमी काम से तो वो नहीं हो रहा काम तो रोज कर रहा है ना

ठीक है सबसे पहला काम अभी आपको पता है क्या है जैसे अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं अगर आप 2025 या 2026 एस्पिरेंट हैं सबसे बेसिक चीज है आपको टिक के बैठना आना चाहिए अगर आप सिटिंग भी नहीं दे सकते बैठ भी नहीं सकते ढंग से तो आप पढ़ाई कहाँ से करोगे और बाकी चीजें कैसे करोगे इंसान हर चीज से बोर हो सकता है काम से नहीं होता ध्यान रखना मेरी बात है हमेशा मैं बिल्कुल उल्टी फिलासफी झाड़ता हूँ आपको लगता होगा कि सर बिल्कुल ऑब्वियस बात है हम तो बाकी चीजों से कभी जिंदगी में बोर नहीं हो सकते लेकिन काम से सबसे ज्यादा बोर होते हैं क्योंकि बेटा काम आपको रोज करना है अगर बाकी काम मैं आपको रोज करने के लिए दे दू ना दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा घूमने का शौक है मैं कहूँ रोज घूमो रोज घूमो कितने दिन घूम लोगे मेरे को बताना जरा फिर मन करेगा ना यार घर चलते हैं थोड़ा सा आराम करते हैं बहुत हो तो गया चार दिन पाँच दिन छह दिन सात दिन दस दिन उसके बाद तो कहोगे ना ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट समझ रहे हो ना तो बाकी काम आप रोज नहीं कर सकते काम काम रोज़ करते हो दैट से बोर नहीं होते ह्यूमन so, माइंड अब आपको थोड़ी सी और बात समझ में आ रही होगी ह्यूमन माइंड नीड कॉन्स्टेंट चेंज बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी सेल्फ कॉन्फ्रोडिक्टी बात है चेंज भी और कॉन्स्टेंट भी कॉन्स्टेंट चेंज चाहिए आदमी को उस ऐसा भी नहीं कि सारा सारा दिन पढ़ते रहो ऑफकोर्स परेशान हो जाओगे बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो और किसी भी चीज को गलत मत बोलो कि हाँ जी रील्स देखना गलत है जी क्या गलत है जी अगर आपको उससे माइंड आपका रिलैक्स होता है अगर आपको ठीक महसूस होता है तो आप देखो उसमें कोई बुराई नहीं है बट द थिंग इज टाइम बाउंड ऐसे नहीं कि रील चलाई और पता लगा दो तीन घंटे उड़ गए हवा में ये बहुत गलत बात है भाई अगर तुम्हारा माइंड रिलैक्स होता है घड़ी पे अलार्म लगा दो बेशक से हाँ जी आधा घंटा देखूंगा या पंद्रह मिनट देखूंगा उसके बाद बंद करूंगा और अपना काम करूंगा जिस भी चीज से जा जो भी काम करने से आपका माइंड रिलैक्स होता है आप वो करो कोई बुरी चीज नहीं है कोई अच्छी चीज नहीं है द थिंग इज कोई भी चीज बुरी तब बन जाती है जब एक्सेस में करी जाए एक्सेस नहीं करना

वो जो मतलब कंसंट्रेशन पावर है वो भी डाउन होती है बट ठीक है पंद्रह मिनट बीस मिनट आधा घंटा इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ जाता जिंदगी में है ना अगर आपको लगता है कि मैं बहुत प्रेशराइज हूँ मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ बीच में अगर मेरा देखने का मन करता है कोई बात नहीं बट आदत नहीं बनानी किसी भी चीज़ की हर एक चीज की आदत खराब है ठीक है सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता बट द थिंग इज मैं आपको बेसिक सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ह्यूमन माइंड को एक कॉन्स्टेंट चेंज चाहिए वो चेंज जब तक आप उसको देते रहोगे वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा बट अगर आप एक ही चीज को बार 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 करते चले जाओगे तो ऑफकोर्स आप परेशान हो जाओगे पढ़ाई आप कंटिन्यूअसली करते चले जाओ करते चले जाओ करते चले जाओ आप परेशान हो जाओगे हफ्ता दस दिन करोगे उसके बाद कहोगे मैं नहीं कर रहा बस बहुत हो गया जी मेरे पास की नहीं है

जैसे आप प्लान करोगे उस हिसाब से अगर चलते चले जाओगे वो दिन दूर नहीं जब आपके टॉप रैंक आ जाएगी गेट में ठीक है बस मैं हमेशा बताता हूँ आपको मंथली प्लान वीकली प्लान और डेली प्लान आपका रेडी होना चाहिए कि आज का मेरा क्या काम है आज मेरे को क्या क्या करना है आप सब कुछ छोड़ो जितने भी आप बड़े बड़े लोगों को देखते हो जो भी सो सक्सेसफुल लोग हैं क्या करते हैं वो उनके पास मैनेजर होता है सुबह उठते ही वो कॉल करेंगे हाँ अभी मैनेजर बताओ भैया आज का क्या प्लान है आज मेरे को क्या क्या काम करना है और वो बस अपना काम करते चले जाते हैं दैट्स सेट अब आपके पास तो इतने पैसे नहीं है कि आप मैनेजर रख सको तो एटलीस्ट आप खुद के मैनेजर खुद बन जाओ अपना डायरी पे लिख लो रात को सोने से पहले मॉर्निंग उठ के अपने जो भी काम है आप उनको एग्जीक्यूट करो दैट्स सेट ठीक है चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा और ठीक है और एक दो बातें मैं आपके साथ और कर लेता हूँ अगर आप मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हो देन यू कैन इट मैं बाईटल फाइव में कोर्स देता हूँ बहुत कम फीस है ना के बराबर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप बहुत जेनरस हैं तभी आप इतनी कम फीस में दे रहे हैं ऐसे मत सोचना कि कोर्स में दम नहीं है कोर्सेज में कुछ है नहीं बट मैंने बहुत जान लगाई है और हर एक एक पी वाई क्यू आपका सॉल्व होगा ये सब करने के बाद यूट्यूब कोर्सेज और जो मेरे पेड कोर्सेस है बेसिक मैं बिल्कुल उल्टा चलता हूँ लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल ट्रायल क्लासेस देते हैं बेसिक बेसिक बात बताते हैं पूरा डिटेल पेड में लाते हैं मैंने पूरा डिटेल यूट्यूब पे दिया है अब उसी को कट शॉर्ट करके मैंने पेड बनाया है क्योंकि यूट्यूब पे डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स देखोगे तो टू हंड्रेड आवर्स की है बट उसको मैंने अप्रॉक्स नाइन्टी आवर्स में कम्प्लीट करा दिया है पेड बैच में ओके okay, तो मेरे रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं लाइव सेशंस नहीं होते हैं इस बारे में भी मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि लाइव सेशंस में टाइम बाउंड हो जाता है आदमी कि आज क्लास लेनी लेनी है और इस टाइम पे लेनी है आप भी टाइम बाउंड हो जाएगा बेटर है कि रिकॉर्डेड देखा जाए और मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाऊंगा सुबह चार बजे मैं उठ के बनाता हूँ तो और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको देख भी सकते हैं तो डिस्क्रिट मैथमेटिक्स कम्पलीटेड है टी ओ सी कम्पलीटे है डिजिटल अभी चल रहा है थोड़ा सा रहता है बस तीन चार क्लासेज में वो कंप्लीट हो जाएगा कल से मैं आपकी क्लासेस भी रिज्यूम कर रहा हूँ डिजिटल की और उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क भी शुरू हो जाएगा यही फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर अंदर ठीक है सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आप ऐप और वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है और कॉम्बो भी है है ना अगर आप मल्टीपल कोर्सेज लेना चाहते हो तो वो भी ऑप्शंस हैं आप बस ऐप एक बार चेक कर लेना आपको सब पता लग जाएगा ठीक है बेटा थैंक यू सो मच बाय बाय वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना थैंक यू सो मच बाय बाय